हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड, आज मैं आपकी लेकर आई हूँ बहुत ही खास वीडियो। इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपने फ़ोन में कॉल सेटिंग कैसे सेट करेंगे। तो फ्रेंड, बहुत ही सिंपल सिंपल छोटे छोटे इजी इजी स्टेप बताऊँगी, आपको देखना है और फॉलो करना है। और वीडियो की पूरी जानकारी लेने के लिए वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना है। तो आई फ्रेंड, हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपने फ़ोन में कॉल सेटिंग कैसे सेट करेंगी। तो उसके लिए फ्रेंड, हम अपने फ़ोन की डायल पैड को ऑन करेंगे। जब हम अपने फ़ोन के डायल पैड को ऑन करते हैं तो यहाँ पर हमें 3 डॉट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस पर हम क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर हम फ्रेंड कई ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, तो यहाँ पर हम सेटिंग पर क्लिक कर देते हैं। तो हम सेटिंग पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ब्लॉक नंबर, यहाँ से आप अपने फ़ोन में कॉल ब्लॉक भी कर सकते हैं। और यहाँ से इसको आप कॉलर साइन इसको ऑन कर देना। रिकॉर्ड कॉल्स पे आपको जाके आप अपने फ़ोन में कॉल रिकॉर्डिंग भी लगा सकती हैं। आपको सो कॉल नोटिफिकेशन आफ्टर रिकॉर्डिंग को ऑन कर देना, ऑटो रिकॉर्ड कॉल्स को ऑन कर देना है। इस तरीके से आपके फ़ोन में कॉल रिकॉर्डिंग लग जाएगी। फ्रेंड, अगर आप कॉल रिकॉर्डिंग चेक करेंगे तो यहाँ पर रिकॉर्ड कॉल से आप चेक भी कर सकती हैं। आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद में आपको यहाँ पर कॉलर बैकिंग का आपको ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ से आप अपने फ़ोन में अपनी कॉल के साथ में, अगर आपके फ़ोन में कॉल आए, आप अपनी कॉल के साथ में कोई भी यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ से इस तरीके से देखो आपको यूज़ कर सकते हो। इस तरीके से आपके फ़ोन में किसी की भी कॉल आएगी तो इस तरीके से इंटरफेस आपके फ़ोन में देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ से इसको भी कंफर्म कर सकते हैं। यहाँ से फ्रेंड बैक आ जाना है। बैक आने के बाद में यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा कॉल आफ्टर एंड रिंगटोन। यहाँ से आप अपने फ़ोन की रिंगटोन भी चेंज कर सकते हैं जो भी आपको। इस तरीके से आपको यहाँ पर सारे ऑप्शन ऑन कर लेना है। यहाँ से फ्रेंड आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद में यहाँ पर आपको फ्रेंड देखने को मिलेगा आंसर एंड कॉल्स। यहाँ पर आपको इस पर ऑन करना है। ऑन करने के बाद में यहाँ से आप अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कॉल नेम कॉल आंसर, इस तरीके से आपको ये चारों ऑप्शन ऑन कर देना है। यहाँ पर आपको ये चारों ऑप्शन ऑन करने के बाद में फ्रेंड बैक होना है। बैक होने के बाद में क्यों फ्रेंड मैसेज आपको इस पर क्लिक करना है। तो अगर आपके फ़ोन में कोई बार बार कॉल कर रहा है और आप उठा नहीं पा रहे हैं तो आप यहाँ से उसको मैसेज भी भेज सकते हैं। तो यहाँ से फ्रेंड आपको बैक आना है। बैक आने के बाद में यहाँ पर आपको कॉल डिस्प्ले पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ से आप अपने फ़ोन पे जब आपके फ़ोन में कॉल आए तो आप यहाँ पे फुल स्क्रीन, स्मॉल स्क्रीन और आप जो भी यूज़ करना चाहती हैं इस तरीके से आप जिस पे भी यूज़ करना चाहती हैं वो आप यूज़ कर सकती हैं यहाँ पे। यहाँ से फ्रेंड हमें बैक आना है। बैक आने के बाद में वॉइस मेल आप यहाँ से अपने फ़ोन की वॉइस मेल किसी को भी भेज सकती हैं। उसके बाद में सप्लीमेंट्री सर्विस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ से आप अपने फ़ोन में कॉल फॉरवर्ड कॉल बैकिंग भी आप यहाँ से कर सकती हैं। यहाँ से फ्रेंड आपको बैक आना है। बैक आने के बाद में यहाँ पर आपको नीचे ऑप्शन दिया है अदर कॉल सेटिंग में आपको यहाँ से आपको हिट कॉन्टेक्ट पे आपको नंबर्स पे क्लिक कर देना है। इस तरीके से आपको यहाँ पर सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, यहाँ पर आपको ऑन कर देना है। इस तरीके से फ्रेंड आप अपने फ़ोन में कॉल सेटिंग कर सकती हैं। आई होप अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें। चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।